तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, और आपने कहा था कि सर हमें कंपनी की जॉब चाहिए, कंपनी भी ऐसी जो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं कि किसी फ्रॉड कंपनी की जॉब हमें मिले, हम उस पर अप्लाई करें, वो हमसे पैसा। मैंने सोचा कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो हमेशा आपके लिए जेन्युइन और ऑथेंटिक जॉब्स ले। अब देखिए, हर किसी की डिमांड होती है कि हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो गवर्नमेंट जॉब, कि आप में से बहुत सारे लोग इसी तरह की जॉब को सर्च जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पॉसिबल होता है हम जैसे आम आदमियों के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट जॉब्स आपको दे रही है, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, और यहाँ पर आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए, तो क्या आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं? साथ ही ये जो वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है, तो इस पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मेथड आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वही सबसे मेन है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे मैं कंपनी की जॉब्स आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ यार इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें और सबसे पहले उस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो अभी से अभी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और देखो, हर वीडियो में मैं अपनी बोलता हूँ कि आप बहुत टाइम से YouTube पे वीडियोस देख रहे हो जॉब रिगार्डिंग, कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए, कैसे घर पैसा कमाया जाए घर बैठे बैठे, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक काम नहीं मिला। तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल कम से कम आप ये ठान लो कि मुझे YouTube पे से वीडियोस नहीं देखनी है, YouTube पे वीडियोस अपलोड करके भी पैसा कमाना है। अगर आप भी YouTube पे वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं किस तरीके से ये सब होता है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है, टिप्स विद बिस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, चैनल ओपन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली हैं कि कैसे आप चैनल बनाते हैं, कैसे आप चैनल को ग्रो कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं वीडियो को, किस टॉपिक पे आप वीडियोस बना सकते हैं, तो सारा मैंने उस वीडियो के अंदर, उस चैनल के अंदर डाला हुआ है। आपको देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा उस चैनल पर। साथ ही साथ जिनके नए चैनल हैं और जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प के लिए मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जहाँ पे मैं आपके साथ लाइव आता हूँ, आपके चैनल को चेक करता हूँ और बताता हूँ कि क्या वो रीज़न है जिनकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा। तो अभी से अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को। तो चले चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने देखिए गूगल क्रोम आपके मोबाइल पे होगा, इस तरह से गूगल क्रोम होगा। आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और जब आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है मुखर्जी, MUKH मुखर्जी .ppgf.in। दोबारा से देख लीजिए, मुखर्जी MUKHERJEE मुखर्जी .ppgf.in। आप इसको एंटर करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये जो वेबसाइट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मुखर्जी फिलोशिप भी है, प्रेजेंट्स यू विथ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द फ्यूचर। आपको यहाँ पे मौका मिलेगा फ्यूचर बनाने का। कैसे, नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस फाउंडेशन है, यानी कि PPGF इसका पूरा नाम है, पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस फाउंडेशन, तो PPGF इन कोलेब्रेशन विथ नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर NFPRC is offering a unique fellowship opportunity to provide young professionals across India a hands-on policy। तो यहाँ पर ये मौका दे रही है आप लोगों को जुड़ने का इनके साथ। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस एक्सपीरियंस वर्किंग क्लोजली विथ प्रीमियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द कंट्री फॉर अ ईयर। फिलोज स्टैंड अ गेन इनसाइट इन टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड एक्टिव पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, पॉलिसीज बनती हैं, या फिर पॉलिटिक्स रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बकायदा पहले ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेशर हैं बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 12th के बाद वैसे भी देखो किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करना आपका बनता है, क्योंकि ये फ्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, फ्रेशर को सब कुछ सिखा रहे हैं, तो आपके पास मौका है इतने बड़ी वेबसाइट के साथ काम करने का।
नीचे आ जाएंगे, वट डू वी ऑफर, यहाँ पे ये क्या ऑफर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इक्विप योर सेल्फ विद द बेसिक टूल्स टू वर्क एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन एंड आउट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट के बाहर भी आपको यहाँ पर मौका मिलता है बेसिक टूल यूज़ करने का, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी कि क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का, प्रीमियर सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलता है। पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन होते हैं गवर्नेंस के, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। ये एक फुल टाइम रोल है, लीडिंग पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको यहाँ पर जो काम करना है एज ए फुल टाइम करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द मुखर्जी फेलोशिप एंड व्हाट विल इट एंटेल, यानी कि यहाँ पर क्या ड्यूरेशन है। तो बताया गया है कि देखिए फेलोज विल बी इंगेज फॉर 12 मंथ्स, कम से कम एक साल के लिए ये है, एक साल के लिए आपको इंगेज रहना पड़ेगा फेलोशिप के साथ। इट्स हैव टू स्पेड ओवर टू मॉडल्स, दो तरह के मॉडल्स होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटिकल, यानी कि एक में आपका एक्सपेरिमेंट होंगे, दूसरा होगा थ्योरेटिकल। तो दो मॉडल्स हैं, आप जिस भी मॉडल्स के साथ कंटेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि थ्योरेटिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल के साथ कौन कौन सी मॉडल्स के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं, तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, इस अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले फुल नेम डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, होम स्टेट कहाँ पर आपका होम है, तो यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ हैं, आपकी जो सिटी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन ईयर अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन फॉर द मोस्ट रीसेंट एकेडमिक डिग्री, कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 2016 में अगर आपने किया 2016 यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना अपलोड रिज्यूम करना है, यानी कि सीवी आपको अपलोड करना है। अब जिन लोगों के पास सीवी नहीं है तो यार बना लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम सबसे पहले देखा जाता है, तो रिज्यूम आप बना लीजिए। गूगल पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, उनको देख के आप रिज्यूम बना सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको अपलोड करना है वो पीडीएफ डॉक और डॉक एक्स के अंदर होगा। उसके बाद देखिए अपलोड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्लीज ड्राफ्ट अ ब्रीफ एवरेज 500 वर्ड्स, यानी कि 500 वर्ड्स का यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट पर्पस यहाँ पे अपलोड करना है। एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन दिस फेलोशिप, क्या इंटरेस्ट है आपका इसके बारे में। डिस्क्राइब हाउ दिस फेलोशिप विल हेल्प यू टू अचीव एनी फ्यूचर प्लान्स, कैसे ये अचीव करेगा फ्यूचर, ये सारी चीज़ें आप गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी में आप डालोगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। चूज फाइल में जाके आपको अपलोड कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना। तो गाइस जैसे ही आप ये सबमिट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी अमाउंट है, ना कोई चार्जेस है, ना यहाँ पे आपसे कोई पैसा लिया जाएगा किसी भी कंडीशन में, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि बहुत जगह जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस लिए जाते हैं फॉर्म के रूप में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं फॉर्म के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अप्लाई ज़रूर करना है, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है और यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करना है। तो ये वो लोग जो अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट मौका है यार इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, अभी से अभी आपको अप्लाई करना है। कहीं कोई डाउट लगे, कोई सवाल लगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।